हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़, वीक 20 यानी कि जो लेटेस्ट रीसेंट वीक है उसकी फुल टीआरपी आ चुकी है। तो सारे शोज़ की टीआरपी आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखते रहिए। तो अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट चैनल की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट चैनल है हमारे पास एंड टीवी, तो इसके शोज़ पर नज़र डाल लेते हैं। तो गाइस, बाल शिव की टीआरपी इस बार 0.2 आई है। एक महानायक डॉक्टर बीआर अंबेडकर की भी 0.2 है। भावी जी घर पर हैं की टीआरपी में डिक्रीज देखने को मिला है, 0.4 से 0.3 हो चुकी है। और हप्पू की उल्टन पलटन की 0.3 आई है। तो हाईएस्ट परफॉर्मर्स हैं भावी जी और हप्पू, जिनकी भी टीआरपी कुछ खास नहीं है, लेकिन एनटीवी पे इतनी ही आती है सारे शोज़ की, जहाँ से 0.3 या 0.4 ही होती है। तो भाभी जी और हप्पू की हाईएस्ट है चैनल पर। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास स्टार भारत। स्टार भारत के शोज़ को देखें तो गुड़ से मीठा इश्क की टीआरपी 0.1 आई है। ये शो जब से स्टार्ट हुआ है काफ़ी लो टीआरपी ही लेकर आ रहा है। राधा कृष्ण की 0.1 है। राधा कृष्ण एक टाइम पे 0.4 या 0.5 लेकर आया करता था स्टार भारत चैनल के लिए, लेकिन अब ये शो जो कि पहले फ्लैगशिप शो हुआ करता था स्टार भारत का, ये अब सबसे ज़्यादा लोएस्ट टीआरपी वालों में से एक है और 0.1 की टीआरपी लेकर आता है। काफ़ी हफ्तों से काफ़ी डिक्रीज देखने को मिल रहा है इसकी टीआरपी में। तेरा मेरा साथ रहे की 0.1 आई है, वो तो है अलबेला की 0.2 है और जय कन्हैया लाल की 0.2 है। तो वो जो हाईएस्ट टीआरपी भी है वो भी 0.2 तक ही जा रही है। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया स्टार भारत का। वैसे आईपीएल का भी इफेक्ट पड़ा हुआ है तो उससे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन स्टार भारत के जो बॉसेस वगैरह हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिक्का के शो से काफ़ी टीआरपी आएगी। तो देखते हैं अगले हफ्तों में कि मिक्का सिंह की जो स्वयंवर वाला सीरियल है वो कैसे टीआरपी लेकर आ पाता है। वैसे उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन आई डोंट थिंक वो कुछ खास टीआरपी लेकर आ पाएगा। अब हम देखते हैं अगले चैनल को। अगला चैनल है हमारे पास दंगल टीवी। तो नथ जेवर हैं जंजीर 0.4 की टीआरपी लेकर आया है। मन सुंदर की भी 0.4 है। सिंदूर की कीमत की 0.5 आई है। शुभ शगुन की भी 0.5 है, जो कि नया शो है इनका। ब्रिज के गोपाल की 0.2 है। रंगजो तेरे रंग में की 0.3 है। तो हाइएस्ट परफॉर्मर्स हैं शुभ शगुन और सिंदूर की कीमत दंगल टीवी चैनल पर इस हफ्ते। बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास सोनी टेलीविज़न। मेरे साईं की टीआरपी इस बार आई है 0.4, काफ़ी डिक्रीज देखने को मिला है इसकी टीआरपी में। पुण्य श्लोक अहिल्या बाई की आई है 0.6, बड़े अच्छे लगते हैं, टू स्टेबल है 0.5 के साथ। कामना की भी टीआरपी में लो डिक्रीज देखने को मिला है, 0.3 हो गया है। मोह से छल किए जाए की टीआरपी 0.3 आई है। दोस्ती अनोखी 0.2 है, ऑफर जा रहा है ये शो। द कपिल शर्मा शो की 1.2 है और सुपरस्टार सिंगर की 1.3 है, जो कि हाईएस्ट परफॉर्मर है करंटली सोनी टीवी पे सुपरस्टार सिंगर। तो ये कोई अनयूजुअल चीज़ तो है नहीं, सोनी टीवी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसके वीकेंड शोज ही हमेशा हाईएस्ट टीआरपी लेकर आते हैं फिक्शनल शोज़ से। बढ़ते हैं अगले चैनल की ओर जो कि है जी टीवी। तो मिठाई की टीआरपी 0.3 आई है। ये शो जल्द ही ऑफर के डेंजर में आएगा आई थिंक। मीत जो जी टी वी का सीरियल है 0.8 की टीआरपी लाया है और राधा मोहन की भी 0.8 है। मीत की टीआरपी में भी आईपीएल का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी टीआरपी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है कुछ हफ्तों से। भाग्य लक्ष्मी की 1.4 आई है। कुमकुम भाग्य की 1.7 है इस बार और कुंडली भाग्य की 1.6 है। तो भाग्य वाले शोज़ में से कुमकुम की सबसे ज़्यादा है इस बार भी। काशीबाई बाजीराव बलाल 0.5 की टीआरपी लाया है। तेरा बिना जिया जाए ना 0.4 और डीआईडी लिल मास्टर 1.1 की टीआरपी इस बार लेकर आया है। तो गाइस, जी टीवी के हाईएस्ट परफॉर्मर की बात करें तो कुमकुम भाग्य ही है हाईएस्ट परफॉर्मर इस बार भी 1.7 की टीआरपी के साथ। बाकी फिलहाल के लिए जी टीवी का कोई भी शो 2 की टीआरपी लेकर नहीं आ पा रहा। पिछले कुछ हफ्तों कुछ हफ्तों पहले कुंडली कुमकुम दोनों 2+ की टीआरपी ला रहे थे और इवन भाग्य लक्ष्मी की भी 2 के अराउंड पहुँच गया था, लेकिन अब इनकी टीआरपीज में हमें डिक्रीज देखने को मिला है जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है। तो आईपीएल का इफेक्ट इन पर काफ़ी है। आईपीएल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद की टीआरपीज देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन से शोज़ होंगे कौन से चैनल्स के जो कि अपनी पहले जैसे टीआरपी रिटेन कर पाएंगे और कौन से होंगे जिनकी हमेशा के लिए ही डिक्लाइन रह जाएगी, जो कि वो दोबारा पहले जैसी टीआरपी नहीं ला पाएंगे। ऐसे भी कई शोज़ होते हैं तो देखना सही रहे, इंटरेस्टिंग रहेगा। एनीवेज, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैनल की ओर। नेक्स्ट चैनल है हमारे पास सोनी सब यानी कि सब टीवी। तो धर्म योद्धा गरुड़ इस बार भी 0.4 की टीआरपी लेकर आया है और देखते हैं टाइम स्लॉट चेंज के बाद कि कैसी टीआरपी लेकर आएगा, क्या थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिलेगा या फिर नहीं। सब सतरंगी की टीआरपी 0.2 आई है इस बार। जिद्दी दिल मानेना की 0.4 है, जो कि 8 बजे पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। देखते हैं अब शुभ लाभ कैसी लेकर आएगा टीआरपी 8 बजे के टाइम स्लॉट पे, जब तक वो 8 पे रहेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 1.5 आई है इस बार और दया के रिटर्न के रूमर्स जो हैं निकल कर आ रहे हैं, तो देखते हैं दया अगर रिटर्न करती है तो अभी तो नहीं करेंगे, कुछ महीने लगेंगे या फिर कुछ हफ्ते लगेंगे उसमें, अगर करती भी हैं रिटर्न तो देखते हैं उससे टीआरपी में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा। आई थिंक 2 तक पहुंच सकता है फिर,
प्रोमोज वगैरह अच्छी तरह से अगर दिखाएं। वागले की दुनिया की 0.8 आई है, शुभ लाभ की 0.6 है इस बार। मैडम सर की टीआरपी में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, 0.4 हो चुकी है। गुड नाइट इंडिया सब टीवी का लेट नाइट कॉमेडी शो 0.3 की टीआरपी इस बार लेकर आया है और पिछले भी कई हफ्तों से इसकी 0.3 ही टीआरपी है। बाकी जो शोज ठीक परफॉर्म कर रहे हैं वो हैं वागले, तारक मेहता, शुभ लाभ। तो अब सब टीवी पे 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पे आएगा पुष्पा इम्पॉसिबल। तो आपको क्या लगता है, शुभ लाभ से ज़्यादा टीआरपी लेकर आ पाएगा 9:30 बजे के टाइम स्लॉट पे पुष्पा इम्पॉसिबल या फिर नहीं? और वागले की दुनिया की टीआरपी 1.0 आने वाले दिनों में, आई थिंक आने वाले हफ्तों में आईपीएल के बाद आई थिंक टच करेगा दोबारा से। तो अब हम चलते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है हमारे पास कलर्स टीवी। कलर्स चैनल की टीआरपी देख लेते हैं सारे शोज़ की। तो ससुराल सिमर का सीजन 2 0.7 की टीआरपी इस बार लेकर आया है, थोड़ा सा डिक्लाइन है 0.1 पॉइंट का। उड़ारियां की टीआरपी 1.4 आई है, एक टाइम पर 2.2-2.3 की टीआरपी भी लाया करता था, लेकिन आईपीएल का इफेक्ट काफ़ी पड़ा है। वैसे आईपीएल से पहले भी थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा था इसमें। परिणीति की टीआरपी 1.4 है, ये शो स्टेबल है पूरी तरह से, कॉन्स्टेंट टीआरपी लेकर आता है। सिर्फ तुम की 1.1 आई है, स्वर्ण घर की 1.0 है। तो इन पे मैंने वीडियोस बनाया था पोटेंशियली इनके टाइम स्लॉट चेंजेस का, और उसके बाद कैसे टीआरपी लाएंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। स्पाई बहू की टीआरपी 0.8 आई है, छोटी सरदारनी की 0.6 है, और ये ऑफर जाने वाला है जल्द ही। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग टीआरपी लेकर आ रहा है कुछ हफ्तों से कलर्स टीवी के लिए। नीमा डेंजोंगपा 0.5, और ये भी आने वाले हफ्तों में महीनों में आपको ऑफर जाते हुए देखने को मिलेगा। फना की टीआरपी आई है 0.4, और कलर्स टीवी इसको कंसीडर कर रहा है ओटीटी पे शिफ्ट करने का, लेकिन अभी के लिए कोई भी फाइनल डिसीजन इस पर नहीं लिया गया है, जैसा कि आपको बताया था। डांस दीवाने जूनियर्स की 1.0 आई है, और नागिन 6 की 1.7। तो हाईएस्ट परफॉर्मर आप देख ही सकते हैं, नागिन है 1.7 के साथ। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट चैनल की ओर। अगला चैनल है हमारे पास स्टार प्लस। ये झुकी झुकी सी नज़र लाया है 0.6 की टीआरपी, कभी कभी इतफाक से कि 1.1 आई है, स्टेबल है। पंड्या स्टोर की 1.4 है, गुम है किसी के प्यार में 2.1 की टीआरपी लेकर आया है इस बार। इमली की 2.0 आई है, साथ ही 2 की टीआरपी 1.6 आई है। तो आई थिंक स्टार प्लस ने सही डिसीजन लिया है बन्नी चाओ को 9 बजे की टाइम स्लॉट देके और साथ ही टाइम स्लॉट शिफ्ट करके। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीआरपी 2.1 आई है, इस बार डिक्रीज देखने को मिल रहा है हमें स्टार प्लस के शोज़ की टीआरपी में। अनुपमा की 3.1 आई है, और ये है चाहते हैं कि भी 2.1 आई है। स्मार्ट जोड़ी की 0.6 है, और जो हाईएस्ट परफॉर्मर है स्टार प्लस का वो हमें देखने को मिल ही रहा है, वो तो अनुपमा ही है हर हफ्ते की तरह। तो ये थे सारे शोज़ की टीआरपी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स में अपना फेवरेट शो और अपना फेवरेट चैनल ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी फुल टीआरपी डिटेल्स हर हफ्ते पता आप चाहते होते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी टीआरपी अपडेट मिस ना करें, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। ऐसी सारी लेटेस्ट टीआरपी न्यूज़ और टीवी शोज़ न्यूज़ वगैरह के साथ आप बने रहें, आप पूरी तरह से अपडेटेड रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।